ट्रेनर पर प्रैक्टिस कर चुकी है, लेकिन सोलो सोटी में उन्हें MiG-21 के सिंगल कॉकपिट में अकेले होने के लिए खुद को तैयार करना होगा। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान एक छोटी सी भी गलती के नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। The Indian Women Fighter Pilots. दिमाग में यही चल रहा था कि यस फाइनली अब मैं अकेले MiG-21 बाइसन उड़ाऊंगी। मैं नर्वस या डरी हुई तो बिल्कुल नहीं हूँ, पर हाँ मुझे थोड़ी हिचकिचाहट जरूर है क्योंकि इस बार मेरे साथ कोई भी नहीं होगा। फाइनली जब आप टेक ऑफ के लिए तैयार होते हैं, आप रीहीट करते हैं तो आप एक खास तरह की किक महसूस करते हैं। एयरक्राफ्ट को किक मिलता है जिसे आप महसूस करते हैं और तब आप टेक ऑफ के लिए ब्रेक्स रिलीज करते हैं। हवा में पहुंचकर आपको एक अलग सा एहसास होता है क्योंकि आप पहली बार बिल्कुल अकेले एक नया एयरक्राफ्ट उड़ा रहे होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड थी, पर मैं एक पायलट हूं जिसे एयरक्राफ्ट सुरक्षित वापस लाना होता है। लैंडिंग आसान नहीं है। अवनी और भावना को अपने MiG-21 बाइसन के टचडाउन के लिए पूरी सावधानी बरतने के साथ ही सही वक्त पर पैराशूट खोलना होता है ताकि एयरक्राफ्ट की रफ्तार कम हो और उसका संतुलन भी बना रहे। उसने इसे ठीक वैसे ही किया जैसा कि उसे ब्रीफ किया गया था। भावना और अवनी MiG-21 बाइसन की अपनी पहली सोलो सोटी से लौटकर बेहद खुश हैं। ये बहुत ही एक्साइटिंग है और इस एहसास का किसी और चीज से कोई मुकाबला नहीं है। आप जानते ही नहीं वहाँ क्या होने वाला है और आखिरकार आप लौटकर लैंड करते हैं। The Indian Women Fighter Pilots. भावना, मोहना और अवनी ने तमाम मुश्किलें पार करके नई पीढ़ियों के लिए रास्ता खोला है। ये कहानी है तीन महिलाओं की जो इस दौर की प्रणेता हैं और जिन्होंने मुश्किलों का सामना करते हुए पुरानी सोच को बदला। The Indian Women Fighter Pilots. मैं जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहती थी जो बोरिंग ना हो, और इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चुना। शुरू में मैंने सोचा था कि मैं किसी आईटी फर्म या कॉर्पोरेट वगैरह में जाऊंगी, लेकिन फिर मेरे फादर ने मुझसे कहा कि तुम एयरफोर्स में भी जा सकती हो। मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ हमारे ज्यादातर रिश्तेदार आर्मी ऑफिसर्स हैं। मैं हमेशा उनके लाइफस्टाइल को देखकर हैरान रह जाती थी। इंसान को वो चीज़ चाहिए जिसे वो एक जगह बैठकर हासिल ना कर सके। उसने आसमान में पक्षियों को उड़ते देखा और फिर उड़ना चाहा, और उनमें सबसे बेहतरीन फाइटर पायलट्स हैं। ये तीन महिलाएं जब इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में शामिल हुईं, तो वो नहीं जानती थी कि उनका उड़ने का छोटा सा सपना एक अनोखा मोड़ लेगा और उससे देश के इतिहास की दिशा ही बदल जाएगी। आप इस एकेडमी में आने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एकेडमी में आकर पता चलता है कि ये उसका पहला कदम है जो आप हासिल करना चाहते हैं। एकेडमी में आते ही उन्हें उनके कम्फर्ट जोन से बाहर लाया गया और बेहतरीन ट्रेनिंग दी गई ताकि आगे चलकर वो इस ताकतवर फौज की अगुवाई कर सके। मुझे लगा मैं वहाँ जाऊंगी और उड़ना शुरू कर दूंगी, पर मुझे नहीं पता था कि शुरुआत में 6 महीने बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करनी होती है। तीनों ही अपने उड़ने के सपने को पूरा करने के नजदीक पहुँच रही थी।
ट्रेनिंग में सबसे पहले उन्हें शानदार पिलाटस PC-7 एयरक्राफ्ट उड़ाने का मौका मिला। ये स्विस एयरक्राफ्ट है और बहुत ही शानदार है। ऐसा सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हमने आज तक नहीं देखा है। इसमें टर्बो प्रॉप इंजन है और ये 412 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ सकता है। यह एयरक्राफ्ट जिस तरह के एरोबैटिक्स कर सकता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। पहली बार एयरक्राफ्ट उड़ाना और उसे सुरक्षित वापस लाना एक कमाल का एहसास है। The Indian Women Fighter Pilots